हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं फैब्रिक लटकन आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, यहाँ पर ये जो मेरे पास फैब्रिक है जॉर्जेट पर, यहाँ पर सीक्वेंस में वर्क किया हुआ है। अस्तर का फैब्रिक है, इसमें अंदर हम यूज़ करेंगे। और डोरी है, रेडीमेड डोरी है, आप चाहें तो फैब्रिक की बना भी सकते हैं। तो चलिए हम इसके पीसेस कट कर लेते हैं फैब्रिक लटकन बनाने के लिए। इस लटकन को आप अपने लहंगे पर, अपनी कुर्ती पर, अपने ब्लाउज़ पर यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर बनेगा और बहुत ही ज़्यादा इजी है इसे बनाना। आप घर पर ही सुंदर सी लटकन तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर डबल फोल्ड करके मैंने पीसेस कट किए, इसमें से हमें चार पीसेस कट करने हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम 3 इंच लंबाई में और 3 इंच चौड़ाई में कट करेंगे इसे। 3 इंच लेंथ में और 3 इंच विड्थ में कट करेंगे। इस तरीके से हमें एक बॉक्स बना लेना है स्क्वायर में, ये देखिए इस तरीके से। और अगर आप लहंगे के लिए बना रहे हैं तो ये जो हमने 3 इंच लिया है, इसे आप थोड़ा और बड़ा भी सकते हैं, 4 इंच भी ले सकते हैं अगर आप लहंगे के लिए बना रहे हैं तो। और कुर्ती और ब्लाउज़ के लिए बना रहे हैं तो ये आप इसी मेज़रमेंट से बनाएं, ये परफेक्ट रहेगा, ज़्यादा बड़े भी नहीं रहेंगे लटकन आपके। तो देखिए, यहाँ पर 4 पीसेस मैंने फैब्रिक के कट कर लिए हैं। अब इसे हम बीच में से ओपन कर लेंगे, इसे डबल फोल्ड करके भी कट कर लेंगे, तो ये 4 पीसेस आ जाएंगे हमारे पास। देखिए इस तरीके से ये 4 पीसेस हो गए। 2 पीस अलग रख देंगे और 2 पीस हम अलग रख देंगे इस तरीके से। अब इसके नीचे बनाने के लिए, लटकन के लिए हमें कट करनी है। लेंथ में लिया है 2.5 इंच, 1.5 इंच लिया है इस तरीके से हमने। और इसके पीसेस हमें 6 कट करने हैं, 6 पीसेस कट करने हैं इसके। तो इसे हम इस तरीके से रख लेंगे और यहाँ से 2.5 इंच नाप लेंगे इस तरीके से। ये भी हमें स्क्वायर पीसेस ही कट करने हैं, विड्थ में और लेंथ में 2.5 होने चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर 3 पीस कट कर लिए हैं, 3 और कर लेने हैं हमें। तो मैंने 3 और कर लिए हैं, इन्हें अलग अलग रख लेना है। और ये 3 डोरी कट की है, इसमें देखिए 1 डोरी हमारी बड़ी है और 2 पीसेस छोटे हैं, बराबर से कट किए हैं। और 2 पीस मैंने बड़ी डोरी के कट किए हैं। तो अब इसे बनाना किस तरीके से है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे ट्राइंगल में इस तरीके से करके सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरीके से ट्रायंगल में कर लेना है और तीनों ही पीसेस पे आपको सिलाई लगा लेनी है। इसे आपको इजी रहेगा इसे फोल्ड करने में। तीनों पीसेस को हमने इसी तरीके से रेडी कर लिया है। और इसके लिए हम देखिए इस डोरी को इसमें रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। डोरी को बीच में रखना है और फोल्ड करते हुए आपको यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको कट कर लेना है। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे तो ये फिनिशिंग हो जाएगी। बाकी के 2 पीसेस भी हमें इसी तरीके से तैयार करने हैं। तो दोनों पीसेस हम इसी तरीके से यहाँ पर रेडी कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक का आपको साथ में कट भी करते जाना है। बाहर से की तरफ से भी जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसे आप कट कर लें। इसके बाद ये जो लास्ट वाला पीस है हमारा, इसे भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पर इसे रेडी कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लें। ये देखिए, यहाँ पर तीनों पीसेस हमारे इस तरीके से आ जाएंगे। जो बीच में है वो लटकन हमारा बड़ा है, बाकी आसपास आप छोटे लटकन लगाए हैं हमने। इसके बाद देखिए क्या करना है, यहाँ पर हमारा जो बड़ा वाला पीस है उसे हम इस तरीके से लेंगे और दोनों तरफ डोरी को आपको इस तरीके से रखना है। अच्छे से आप इसे सेट कर लें, किसी भी एक तरफ आप इसे इस तरीके से रख लें, क्योंकि पीस स्क्वायर में है तो किसी भी एक कॉर्नर पर आपको इसे रख लेना है।
और इसे आपको सिलाई लगा करके पक्का कर लेना है। अच्छे से सेट करते हुए सिलाई लगानी है। देखिए सिलाई लगाकर हमने इसे पक्का कर लिया है और अब हमारा जो दूसरा स्क्वायर पीस है वो हम इसके ऊपर रख लेंगे और यहाँ पर हम आधा इंच का मार्जिन लेते हुए मशीन में और इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। आपको सिलाई तीनों तरफ लगा लेनी है, सिर्फ आपको एक तरफ का छोड़ देना है पलटने के लिए। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पर दो तरफ छोड़ी हुई है तो एक तरफ से और मैं इसे पैक कर दूँगी। ये देखिए, और इसके जो कॉर्नर से वो आप कट कर लें। इस तरीके से हमने कॉर्नर्स को कट कर लिया है। अब हम इसे पलट करके सीधा कर लेंगे। कैंची या कोई भी नोक वाली चीज़ से आप इसके कॉर्नर्स निकाल लें। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे तैयार कर लिया है। अब इसके अंदर भरने के लिए हमें कतरन कट करनी होगी छोटी छोटी, तो उसके लिए आप चाहें तो सेम फैब्रिक का कपड़ा यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कॉटन भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से मैं यहाँ पर, मेरे पास ये फैब्रिक था सेम कलर का यहाँ पर, तो छोटी छोटी सी कतरन हम इसकी कट कर लेंगे इस तरीके से। तो हम इसके अंदर इसे भर लेंगे। एकदम आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं भरना है कि बहुत ज़्यादा भारी हो जाए, और सिर्फ आपको हल्का सा इसे भरना है कि एकदम ये हैवी भी ना हो, लाइट वेट रहे। तो इसे आप इसके अंदर भर लें अच्छे से। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ज़्यादा नहीं कतरन कट की थी, थोड़ी सी ही कट की थी। और अब हम देखिए पहले तो इसे फोल्ड कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सिलाई ऊपर की तरफ ना दिखे तो आप इससे हैंड से स्टिचिंग भी कर सकते हैं। सुई धागे से आप इसे स्टिच कर सकते हैं और चाहे तो मशीन से भी कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा यहाँ पर सिलाई नहीं दिखेगी। डोरी को अंदर रखते हुए हम इस तरीके से कॉर्नर की बारीक टाके से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से लगा लेनी है हमें सिलाई। चारों तरफ से सिलाई लगाकर हम इसे पक्का कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी जो लटकन है वो बन के तैयार हो गई है। देख सकते हैं इसका जो लुक आ रहा है वो बहुत ही सुंदर आ रहा है। लहंगे का ब्लाउज़ हो या लहंगा हो, इसी तरीके से आप बना सकते हैं। दोनों लटकन मैंने बनाकर तैयार कर ली है। तो देखिए इसका जो फाइनल लुक है वो इस तरीके से है। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है ये लटकन, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।